हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो आज हम डिस्कस करेंगे मैथमेटिक्स चैप्टर 6 ट्रायंगल एक्सरसाइज 6.2। तो आइए देखते हैं क्या है इस चैप्टर में। देखिए बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट में, इन द गिवन फिगर 6.17 1 एंड 2, मतलब दो फिगर आपको दिए होंगे, ठीक है। DE पैरेलल टू BC, एक सेकंड मैं आपको मार्कर सेलेक्ट करके अच्छे से दिखाता हूँ। देखिए DE जो है, DE लाइन ये किसके पैरेलल है, BC के, ये जो BC लाइन है इसके, ठीक है। और क्या बोल रखा है, फाइंड EC, तो पूछ रहा है हमसे कि EC क्या होगा, इसका लेंथ पूछ रहा है। तो कैसे निकालेंगे आप लोग, बहुत आसान है, एक सेकंड बच्चे। थोड़ा सा मार्कर प्रॉब्लम कर रहा है, बस एक मिनट में ये ख़त्म हो जाएगा सारा प्रॉब्लम। लगता है परमानेंट प्रॉब्लम आ गया, ये जाने वाला नहीं है, नहीं जा रहा है। चलिए कोई बात नहीं, वैसे हम लोग पढ़ लेते हैं। तो इस फिगर में क्या बोल रहा है कि फाइंड EC, ठीक है, इन 1 एंड AD इन 2। मतलब ये देखिए फिगर नंबर 1, इनमें क्या पता करने के लिए हमें बोल रहा है EC। तो कैसे हम फाइंड आउट करेंगे इसको, हम लेट कर लेते हैं EC डिस्टेंस को x, क्या लेट कर लेंगे x, लेट EC इक्वल टू x। देन देखिए EC इक्वल टू हमने x लेट कर लिया, तो इट इज़ गिवन दैट DE पैरेलल टू BC। आपके क्वेश्चन में दिया गया है DE जो है, DE ये किसके पैरेलल है, BC के। तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम हमें क्या कहता है कि अगर कोई भी लाइन किसी ट्रेंगल के एक साइड के पैरेलल हो तो बाकी जो दो साइड है उसको इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, मतलब इक्वल रेशियो में डिवाइड करते हैं। मीन्स क्या कि AD बाय DB इक्वल टू AE बाय EC, ऐसा हम कर सकते हैं। तो चलिए कर देते हैं, देखिए AD बाय DB इज इक्वल टू AE बाय EC, ठीक है। तो AD कितना गिवन है आपको, देखिए 1.5 AD अब बाय DB, DB कितना गिवन है 3, तो 1.5 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय x, ऐसा हम कर सकते हैं। AD 1.5 DB 3 इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय x। जब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या होगा, x इंटू 1.5 इज इक्वल टू 3 इंटू 1, यहाँ पे डायरेक्ट किया हुआ, कन्फ्यूज मत होइए, x इंटू 1.5 इज इक्वल टू 3 इंटू 1, ठीक है। उसके बाद 1.5 जो हमें लेफ्ट साइड में मिला है उसको ले आए, तो राइट साइड माने पे डिवाइड मांगे तो 3 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 1.5, ठीक है। तो 1.5 से जब 3 को डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2। आया समझ में, तो छाप लीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सेकंड पार्ट में बोल रहा है कि AD फाइंड आउट कीजिए। तो AD फाइंड आउट कैसे करेंगे, फिर वही रूल लगाएंगे। देखिए इसमें क्या है, BC के पैरेलल DE लाइन है ना, तो क्या लिखेंगे, AD बाय DB इज इक्वल टू AE बाय EC, और उसके बाद हम इसको भी उसी तरीके से जैसे अभी किए वैसे ही निकाल लेंगे। तो देखिए AD को हमने x एज्यूम कर लिया और बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लगा लिए, AD बाय DB इज इक्वल टू AE बाय EC, जो भी वैल्यू गिवन था उन सबको पुट किए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिए, 5.4 इंटू x इक्वल टू 7.2 इंटू 1.8, 5.4 इंटू x लेफ्ट साइड में जो था वहाँ से x को रख लिया और 5.4 को राइट साइड लिया, तो ये डिवाइड में आ गया, ठीक है। हमारा मार्कर काम नहीं कर रहा है इसलिए हम आपको ये आपको करके नहीं दिखा पा रहे हैं, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ, नहीं हो पा रहा है, कुछ प्रॉब्लम जैसे परमानेंट प्रॉब्लम आ जाते हैं किसी किसी वीडियो में, वो काम ही नहीं करता है, ठीक है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इसमें क्या बोल रहा है, ई एंड एफ आर पॉइंट ऑन द साइड PQ एंड PR रेस्पेक्टिवली इन अ ट्रेंगल PQR। ट्रेंगल PQR एक होगा जिसमें ई और एफ जो होगा वो PQ और PR पे पॉइंट होगा। तो ये देखिए ट्रेंगल PQR है ये, ठीक है, ट्रेंगल PQR है जिसमें ई और एफ जो है साइड है किस पे, PQ और
पी आर पे, ठीक है। आगे देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेज स्टेट वेदर ई एफ पैरेलल टू क्यू आर, मतलब सारे केसेज में ये दो केस दिए हुए हैं दोनों में ही क्या है ई एफ पैरेलल टू क्यू आर, मीन्स क्या ई एफ एक लाइन है जो क्यू आर के पैरेलल है और ये कुछ डाटा आपको गिवेन है, तब जाके क्या बोल रहा है कि फर्स्ट पार्ट में जैसे गिवेन रहेगा, मतलब दो पार्ट इसके किए गए हैं, तो पी ई गिवेन है 3.9, ई क्यू गिवेन है 3, पी एफ गिवेन है 3.6 एंड एफ आर गिवेन है 2.4। तो देखिए यहाँ पे पी एफ गिवेन है 3.9, ई क्यू गिवेन है 3, पी एफ गिवेन है 3.6 और एफ आर गिवेन है 2.4। इसमें हमसे पूछा क्या है इस क्वेश्चन में, इसमें पूछा है कि दोनों केस के लिए बताइए क्या ई एफ जो है ये क्यू आर के पैरेलल है, ये गिवन नहीं है, स्टेट वेदर ई एफ पैरेलल टू क्यू आर, सारा कुछ आपको दे दिया, बोला है कि ये बताइए कि ई एफ क्यू आर के पैरेलल है, तो हम क्या करेंगे, दिस डिवाइडेड बाय दिस निकालेंगे, मीन्स पी ई डिवाइडेड बाय ई क्यू, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का यूज करके ये निकालेंगे, फिर हम निकालेंगे पी एफ डिवाइडेड बाय एफ आर, अगर ये दोनों वैल्यू इक्वल आ जाता है तो हम कह सकते हैं कि लाइन पैरेलल है, अगर नहीं आता है तो कह सकते हैं नहीं है, ठीक है। तो देखिए इसमें हम निकाल लिए पी ई डिवाइडेड बाई ई क्यू, ठीक है, तो पी ई डिवाइडेड बाई ई क्यू निकाल लिए तो 3.5 और डिवाइडेड बाय 3, तो 3.5 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 1.3, क्लियर। फिर निकाले हम पी एफ, ये पी था, और एफ पी एफ डिवाइडेड बाई एफ आर, पी एफ डिवाइडेड बाई एफ आर निकाले तो 1.5, क्या ये दोनों वैल्यू इक्वल है, नहीं है, तो नहीं है, तो लिख दिए पी ई बाई ई क्यू नॉट इक्वल टू पी एफ बाई एफ आर, देयरफॉर ई एफ इज नॉट अ पैरेलल टू क्यू आर, क्लियर। चलिए वेरी गुड, कॉपी कर लीजिए, ये क्वेश्चन नंबर 2 था। ठीक है, फर्स्ट पार्ट, आइए देखते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में भी वही हमसे पूछ रहा है कि ई एफ और क्यू आर पैरेलल होंगे या नहीं, इसमें दे रखा है हमें पी ई दे रखा है, पी दे रखा है कितना 4, तो डायग्राम को थोड़ा सा मॉडिफाइड करिए, पी क्या रहेगा 4 और ई क्यू 4.5, पी एफ 8 और ई आर 9, ये हमें दे रखा है, तो हमसे पूछ रहा है कि ई एफ क्यू आर के पैरेलल है या नहीं, ये हमसे पूछ रहा है, तो फिर से हम वही काम करेंगे क्या कि दिस डिवाइडेड बाय दिस, पी ई डिवाइडेड बाय ई क्यू ये इक्वल टू आने चाहिए पी एफ डिवाइडेड बाय एफ आर, ठीक है। तो देखिए हमने सारे डाटा को लिख लिया जो जो गिवन है, उसके बाद हमने निकाला पी ई डिवाइडेड बाई ई क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 4.5, तो ये आ गया आपका 8/9। आप बोलिएगा कि सर ये 8/9 कैसे आ गया, जनाब जब हम इसको पॉइंट को उड़ाएंगे यहाँ से 4.5 है, पॉइंट को हटा देंगे तो ऊपर में 0 आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 40/45 हो जाएगा, हाँ ठीक है, तो उसके बाद 9 के टेबल से काट लेंगे, नहीं 9 के टेबल से काटेंगे, नीचे वाला कट जाएगा 5 के टेबल से काटेंगे, यहाँ पे 40 हो जाएगा तो 5 8 जा 40 और 5 9 जा 45, ठीक है, 9 के टेबल से नीचे का कटेगा ऊपर का नहीं कटेगा, तो क्या आ गया पी ई डिवाइडेड बाई ई क्यू इज इक्वल टू 8/9 आ गया। राइट साइड का देखते हैं क्या निकालेंगे, पी एफ डिवाइडेड बाई एफ आर, तो पी एफ डिवाइडेड बाई एफ आर ये क्या आ गया, ये भी आ गया 8/9, तो हम क्या कह सकते हैं कि सिंस पी ई बाई ई क्यू इक्वल टू पी एफ बाई एफ आर, देयरफॉर ई एफ जो है वो पैरेलल होंगे क्यू आर, ई एफ पैरेलल टू क्यू आर, इसको आप पहले कॉपी कर लीजिए, फिर मैं नेक्स्ट पार्ट दिखाता हूँ इसका, हो गया, देखिए बस डन। अब इसके थर्ड केस में देखिए क्या दिया हुआ है, थर्ड केस में पी क्यू इज इक्वल टू 1.28, पी आर इज इक्वल टू 2.26, पी इज इक्वल टू 0.18 और पी एफ इज इक्वल टू 0.63 सेंटीमीटर, तो क्या करेंगे इसमें फिर से डायग्राम बनाएंगे, देखिए जैसे जैसे वैल्यू दिया था वैसे वैसे हमने डायग्राम बना लिया, डायग्राम तो कैसे भी आप बना लो, बस डिस्टेंस को उस तरीके से आपको दिखाना पड़ेगा, इसमें देखिए इसमें कर दिया है थोड़ा सा डिस्टेंस जो आपको दिया गया उसमें डायरेक्ट पार्ट बाय पार्ट नहीं दिया, आपको पी ई का वैल्यू दिया हुआ है और क्यू पी का वैल्यू दिया हुआ है, मीन्स ये वैल्यू 18 दिया हुआ है और ये वैल्यू दिया हुआ है 1.28, इसी तरह से ये वैल्यू आपको 0.36 दिया हुआ है और ये पूरा वैल्यू दिया हुआ है 2.56, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये ई क्यू वैल्यू आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा, तो ई क्यू क्या हो जाएगा, ये ई क्यू, ई क्यू क्या हो जाएगा, ये जो क्यू पी है ये पूरा, इस पूरा में से पी ई को माइनस कर देंगे पी ई को, तो क्या हो जाएगा ई क्यू हो जाएगा। इसी प्रकार एफ आर, एफ आर कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए मेरा जो हैंड आपको दिख रहा है ये एफ आर, एफ आर कैसे फाइंड आउट करेंगे, आर पी ये जो दिख रहा है पूरा साइड ट्रेंगल का, आर पी में से क्या माइनस कर देंगे पी एफ को, ये पी एफ को माइनस कर देंगे तो एफ आर आ जाएगा,
तो सब पहले जो जो वैल्यू गिवन था उसको अच्छे तरीके से लिख लिए, उसके बाद देखिए ये पहले आप बना लीजिए डायग्राम ऐसा ही सेम टू सेम, स्क्रीनशॉट आप चाहे तो ले सकते हैं। याद रखिएगा कौन सा किस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट है, और उसके बाद आप क्या कर लेंगे कि ये दोनों डिस्टेंस है इसको फाइंड आउट कर लेंगे और उसके बाद निकाल लेंगे। या नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि देखिए जो जो डिस्टेंस गिवन है उसी का रेशियो हम निकाल लेंगे, जैसे पी ई बाय पी क्यू ये निकाल लेंगे, क्योंकि यह इस साइड में भी हमें ये पूरा ही दिया हुआ है और इस साइड में भी हमें पूरा ही दिया हुआ है पी आर, तो हम निकाल लेंगे पी ई बाय पी क्यू और पी एफ बाय पी आर। अगर ये दोनों इक्वल आ गया तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों लाइन पैरेलल, ऐसा भी हम कर सकते हैं। तो देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट, देखिए पी ई बाय पी क्यू, ठीक है पी ई बाय पी क्यू हमने फाइंड आउट किया तो क्या आया 0.18 by 1.28 है ना, पी ई कितना है 0.18 और पी क्यू कितना है 1.28, ठीक है। जब इसको हम कैलकुलेट किए तो कितना आया 9/64, कैसे तो देखिए पॉइंट से पॉइंट सीधा डिलीट हो गया, क्योंकि इधर भी दो डिजिट बाद पॉइंट है, इधर भी दो डिजिट बाद पॉइंट है, ठीक है। तो ये दोनों जब डिलीट हो गया तो 18/128, ठीक है। 9 के 9 ने 2 के टेबल से देखिए 2 9 जाए 18, 2 6 जाए 12, बच गया 8, 2 4 जा, ठीक है 9/64। इसी तरीके से हम क्या निकाल लिए यहाँ पे पी एफ बाय पी आर, ठीक है। तो पी एफ बाय पी आर कैसे निकालेंगे, पी एफ बाई पी आर 0.36 2.56 पॉइंट दोनों का ऊपर नीचे डिलीट हो गया ना। यहाँ पे भी देखिए पॉइंट के बाद दो डिजिट है, पॉइंट के बाद दो डिजिट है। अगर आप ऐसे नहीं करना चाहे तो इसका पॉइंट हटाएंगे तो नीचे में 100 से मल्टीप्लाई होगा, फिर इसका पॉइंट डिलीट करेंगे तो ऊपर में भी 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, उसके बाद जब दोनों 100 कट जाएगा तो क्या बचेगा 36/256, ठीक है। 2 के टेबल से फिर से इसको करेंगे तो 2 9/64 ही आ जाएगा, ठीक है 9/64 दोनों ही आ गया, तो हम कह सकते हैं कि दोनों इक्वल है। इसी प्रकार ई एफ जो है पैरेलल टू क्यू आर हमेशा कह सकते हैं। कॉपी कर लीजिए इसको। अब देखिए इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 3 में, इन द फॉलोइंग फिगर इफ एल एम पैरेलल टू सी बी, ठीक है एक फिगर दिया हुआ है जिसमें बोला गया है कि एल एम जो है ये पैरेलल है किसके, सी बी के, चलिए कोई बात नहीं। और एल एन पैरेलल टू सी डी, और एल एन जो है एल एन ये किसके पैरेलल है, सी डी के। तो प्रूफ करने के लिए बोल रहा है कि ए एम बाय ए बी इज इक्वल टू ए एन बाय ए डी। तो इस क्वेश्चन से आसान कुछ हो सकता है क्या, अच्छे से सोचिए क्वेश्चन को क्या बोल रहा है कि भाई साहब आपको ये फिगर दिया हुआ है, इसमें ये लाइन जो है इस लाइन के पैरेलल है और ये वाला लाइन जो है वो इस लाइन के पैरेलल है, ठीक है। तो हमको प्रूफ करने के लिए बोल रहा है कि दिस डिवाइडेड बाय दिस इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाय दिस, यही बोल रहा है ना। तो हम ऊपर वाले ट्रायंगल में नीचे वाले ट्रायंगल में अलग अलग कर लेंगे। ऊपर वाले ट्रायंगल में हम क्या निकालेंगे, ए एम बाय ए बी इक्वल टू ए एल बाय ए सी कर लेंगे। इसी तरीके से नीचे वाले में क्या कर लेंगे, प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लगा के ए एन बाय ए डी इक्वल टू ए एल बाय ए सी कर लेंगे। दोनों में ही राइट साइड में हमें क्या आया, ए एल बाय ए सी, तो दोनों का राइट साइड इक्वल है तो लेफ्ट साइड इक्वल होएगा, बस हो गया खत्म। देखिए डायग्राम को, पहले ऊपर वाले ट्रायंगल में देखिए, इस ट्रायंगल में ऊपर में जो ट्रायंगल बना है बड़ा सा बना है ना, ये ट्रायंगल, ये ए सी बी, इनमें क्या हम लिख सकते हैं, ए एम बाय, हमें क्या चाहिए, ए एम बाय ए बी चाहिए, तो ए एम बाय ए बी, ठीक है। ए एम बाय ए बी इक्वल टू क्या होगा, ए एल बाय ए सी हो जाएगा। तो देखिए ए एम बाय ए बी इज इक्वल टू ए एल बाय ए सी लिख लिए, फिर से देखिए इस डायग्राम को। उसके बाद हम क्या करेंगे, ए एन बाय ए डी इक्वल टू ए एल बाय ए सी, ठीक है। ए एन बाय ए डी इज इक्वल टू एल बाय ए सी, क्यों, क्योंकि एल एन तो पैरेलल था दोनों किस्म, अब देखिए दोनों इक्वेशन वन इक्वेशन टू में ए एल बाय ए सी राइट साइड इक्वल है दोनों का, तो राइट साइड इक्वल तो लेफ्ट साइड इक्वल होगा, तो बस हो गया, यही तक था आपका क्वेश्चन। डायग्राम बना लीजिए और ये कॉपी कर लीजिए, हो गया। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में, ये भी कुछ खास नहीं है, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। बोल रहा है इन द फॉलोइंग फिगर डी ई पैरेलल टू ए सी, एक डी ई लाइन है, देख रहे हैं डी ई डी ई, ये किसके पैरेलल है, ए सी के पैरेलल है, कोई बात नहीं मान लेते ये बोल रहा है तो, ठीक है। और डी एफ पैरेलल टू ए ई, डी एफ दिख रहा है ये डी एफ, ये किसके पैरेलल है, ए ई के पैरेलल है, तो हमसे क्या पूछ रहा है, बी एफ बाय एफ ई, ठीक है बी एफ बाय एफ ई, ठीक है इक्वल टू बी ई बाय ई सी, बी ई बाय ई सी। तो गौर से देखिए हमें क्या चाहिए, बी ई बाई ई सी चाहिए और बी एफ बाई एफ ई चाहिए,
तो देखिए बी ई बाय ई सी, ठीक है, बी ई बाय ई सी मतलब हमें क्या चाहिए, बी ई बाय ई सी। तो हम क्या करते हैं, कुछ देर के लिए ये डी एफ लाइन और ए ई लाइन को भूल जाते हैं, ठीक है, डी एफ लाइन और ए ई लाइन को भूल जाते हैं। तो ट्रेंगल में क्या बचेगा, डी एफ और ए ई को डिलीट कर देंगे तो ऐसा कुछ बने बचेगा, डी ई और ए सी। गौर से देखिए फिर से, ठीक है, इस लाइन को हमने डिलीट कर दिया और इस लाइन को डिलीट कर दिया, तो क्या बचा, ये लाइन बस बीच में बचा, ठीक है। तो ट्रेंगल ए बी सी में देखिए क्या है, यहाँ पे डी ई पैरेलल टू ए सी। तो हम यहाँ पे बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से क्या लिख सकते हैं, बी ई बाय ई सी इज इक्वल टू बी डी बाय ए डी या डी ए लिख सकते हैं। चलिए हो गया आपका सारा मसला खत्म यहीं पे। देखिए बी ई बाई सी तो हमने निकाल लिया, बी ई बाई ई सी क्या निकाला आपने, बी डी बाय ई सी, ई सी क्या था, ई सी था, हाँ बी डी बाई डी ए, बी डी बाई डी ए निकालना। अब अपने को सेकेंड केस में भी वही काम करना है। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट केस में इस लाइन को भूल जाएंगे, इस लाइन को और इस लाइन को भूल जाएंगे, किस किस को, डी ई को भूल जाएंगे, जिसको पिछले बार नहीं भूले थे उसको भूल जाएंगे, और ए सी को भूल जाएंगे। तो डी ई और ए सी को भूल जाएंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, तो हमारे पास कुछ इस टाइप का बचेगा, ये लाइन आपको भूल जाना, ये ए सी भी भूल गए हैं, हमारे पास बस ये ट्रायंगल बचा है ए ई बी, ठीक है। तो इसमें एक डी एफ लाइन है, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, बी एफ वाई एफ ई इज इक्वल टू बी डी वाई डी ए लिख सकते हैं। दो इक्वेशन हमारा बन गया, ठीक है, दोनों ही इक्वेशन में बी डी वाई डी ए है। पहले वाले इक्वेशन में क्या था, बी डी वाई डी ए, ये देखिए बी डी बाई डी ए इज इक्वल टू बी ई बाई ई सी आया था, और दूसरे वाले इक्वेशन में क्या आ गया, बी डी बाई डी ए इज इक्वल टू बी एफ बाई एफ ई। लेफ्ट साइड सेम आए तो राइट साइड सेम होंगे, आपका जो रिजल्ट था वो प्रूफ हो चुका है, ठीक है। आप इसको स्टेप बाय स्टेप, स्क्रीनशॉट लेना हो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या कॉपी करना हो तो कॉपी कर लीजिए। ये रहा फर्स्ट, आफ्टर दैट ये रहा सेकेंड पार्ट और लास्ट पार्ट हो गया। इस वाले में इसको आप चाहे तो डिलीट कर सकते हैं, आपकी मर्जी पे है, हो गया, ले लिया आपने। चलिए प्रूफ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फाइव नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है, इन द फॉलोइंग फिगर डी ई पैरेलल टू ओ क्यू, ठीक है, फिगर दिया हुआ है, बोल रहा है कि डी ई जो है, डी ई ये किसके पैरेलल है, ओ क्यू के, दिख गया। चलिए और बोल रहा है डी एफ पैरेलल टू ओ आर, डी एफ लाइन जो है डी एफ ये किसके पैरेलल है, ओ आर के, ये भी दिख गया। तो प्रूफ करने के लिए क्या बोल रहा है कि ई एफ जो है आपका, ई एफ ठीक है, ये किसके पैरेलल है, क्यू आर के, ये प्रूफ करने के लिए आपको बोल रहा है। पहले हम रीअरेंज कर देते हैं इस फिगर को, इस फिगर में ये ई एफ लाइन को डिलीट कर देते हैं और डी एफ लाइन को डिलीट कर देते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। तो देखिए कर दिए, तो अब आपको क्या दिखाई दे रहा है, पी ओ क्यू, पी ओ क्यू एक ट्रेंगल दिखाई दे रहा है, पी ओ क्यू ट्रेंगल में क्या होगा, पी अपॉन ई क्यू इज इक्वल टू पी डी अपॉन डी ओ बाई बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। क्लियर, एक केस आ गया। दूसरे केस में आप क्या करिए, इस दो लाइन को डिलीट कर दीजिए, ठीक है, ई एफ को और एफ डी को। पहले आप क्या किए थे, पहले केस में ई एफ तो डिलीट किए थे और डी एफ को डिलीट किए थे, लेफ्ट साइड वाला रख लिए थे, अब लेफ्ट साइड वाले को डिलीट कर दीजिए, राइट साइड वाले रख लीजिए, ठीक है। तो आपका सेकंड डायग्राम कुछ इस तरीके का बनेगा बनेगा। तो अब देखिए पी ओ आर ट्रेंगल में, पी ओ आर ट्रेंगल में क्या आपको मिलेगा, पी एफ अपॉन एफ आर इज इक्वल टू पी डी अपॉन डी ओ। अब देखिए पी डी अपॉन डी ओ पहले वाले केस में भी मिला था राइट साइड में, पी डी अपॉन डी ओ दूसरे वाले केस में भी मिल रहा है, मीन्स क्या, दोनों का राइट साइड सेम है तो लेफ्ट साइड भी सेम होएगा। इतना आप पहले कॉपी कर लीजिए, स्क्रीनशॉट चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिए, ठीक है, नेक्स्ट पार्ट हो गया। अब इक्वेशन और इक्वेशन टू से, इक्वेशन वन और इक्वेशन टू से क्या हो जाएगा, दोनों का लेफ्ट साइड इक्वल हो जाएगा। और जब दोनों का लेफ्ट साइड इक्वल होएगा मीन्स क्या, ये दोनों पैरेलल हैं, यहाँ पे देखिए दोनों का लेफ्ट साइड इक्वल मीन्स क्या, पी ई बाय ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ बाय एफ आर, अगर ऐसा दे दिया मीन्स क्या, ई एफ पैरेलल है, ये बात यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, हो गया। कौन से थ्योरम से, कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम कह रहा था कि अगर कोई भी ट्रेंगल का
एक साइड के पैरेलल कोई एक लाइन ड्रॉ है तो वो लाइन जो है वो इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगा, ठीक है। ये था बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। और कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या था कि अगर कोई भी मतलब साइड इक्वल रेशियो में होता है तो वो उसके पैरेलल होता है लाइन के। देखिएगा उसी थ्योरम का सेकंड पार्ट, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए, अगर हमें ये गिवन होता तो हम ये प्रूफ करते थे। अभी हमें क्या है, ये गिवन है पी ई बाई ई क्यू, ये हमने अभी प्रूफ किया ना, इक्वल टू पी एफ बाई एफ आर। तो रेशियो गिवन है, तो रेशियो गिवन है तो हम प्रूफ कर ले कि लाइन ये क्या है, हमें ये गिवन है ना। देखिए पी ई बाई ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ बाई एफ आर, तो हमने बोल दिया कि भाई ये पैरेलल है क्यू आर के। आइए देखते हैं सिक्स नंबर क्वेश्चन। सिक्स नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि इन द फॉलोइंग फिगर ए बी सी आर द पॉइंट ऑन ओ पी ओ क्यू और ओ आर रेस्पेक्टिवली। ए बी सी तीन पॉइंट है इस फिगर में। देखिए ए बी सी ये पॉइंट कहाँ पे है, ओ पी ओ क्यू और ओ आर पे। तो ओ पी कौन सा है ये, ओ पी ओ क्यू कौन सा है ये, और ओ आर कौन सा है ये। इन तीनों लाइन पे ये क्या है, एक पॉइंट है ए बी सी मिला दिए, ठीक है। सच दैट ए बी पैरेलल टू पी क्यू, इस प्रकार से कि ए बी जो है ये पी क्यू के पैरेलल है और ए सी जो है ये पी आर के पैरेलल है। तो हमें प्रूफ करने के लिए बोल रहा है कि बताइए कि बी सी जो होगा ये भी क्यू आर के पैरेलल होगा। ये तो देखने से ही प्रूफ कर दिए हम, ठीक है, लेकिन देखने से नहीं होगा, इसको करना पड़ेगा। तो सबसे पहले इन दोनों पार्ट को हम डिलीट कर लेते हैं, इस पार्ट को और इस पार्ट को भूल जाते हैं, ओनली इस पार्ट में देखते हैं, ठीक है, मतलब पी ओ क्यू में, बाकी को डिलीट कर दिए। तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, पी ओ क्यू ट्रेंगल में क्या बोल सकते हैं कि ए बी जो है वो पी क्यू के पैरेलल है, ठीक है। तो ओ ए बाय ए पी इज इक्वल टू ओ बी बाय बी क्यू बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, हो गया। चलिए यहाँ तक आप कर लीजिए, सेकंड पार्ट में देखते हैं। सेकंड पार्ट में हम बाकी दो को डिलीट कर देंगे और एक को रख लेंगे। सेकंड पार्ट में हमने ये ले लिया, ठीक है, इसमें क्या किया, इधर दोनों को डिलीट कर दिया। अब देखिए पी ओ आर, पी ओ आर ट्रेंगल में क्या है, ए सी जो है किसके पैरेलल है, पी आर के पैरेलल है। तो हम क्या बोल सकते हैं, ओ ए बाय ए पी इज इक्वल टू ओ सी बाय सी आर, ये भी बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। अब दोनों इक्वेशन को देखिए, एक इम्पोर्टेंट कॉल आ गया था, हाँ, तो इसमें क्या आ गया, देखिए ओ ए बाय ए पी इज इक्वल टू ओ सी बाय सी आर। पहला वाला जो इक्वेशन आपने वन बनाया उसमें भी क्या मिल रहा था आपको, ओ ए बाय ए पी इज इक्वल टू यहाँ पे कुछ था, क्या था, बी ओ बी बाय बी क्यू ऐसा कुछ था ना। तो ये जो दो आपको आ गया, मतलब दोनों का जो लेफ्ट साइड है वो सेम है ना। देखिए पहले वाले में भी ओ ए बाय ए पी था, ये देखिए लेफ्ट साइड सेम है या राइट साइड देख लेते हैं, ओ ए बाय ए पी, ठीक है, इज इक्वल टू ओ बी बाय बी क्यू है। और यहाँ पे भी आया ओ ए बाय ए पी इज इक्वल टू ओ सी बाय सी आर। तो लेफ्ट साइड दोनों का सेम है तो राइट साइड सेम होगा। तो फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू आपका ये रिजल्ट प्रूफ हुआ, ठीक है। अब क्या करेंगे, बाकी को पहले वाले में हमने इसको डिलीट किया ये रखा, दूसरे वाले में हमने इसको डिलीट किया ये रखा, अब तीसरे वाले में दोनों को डिलीट करेंगे, ये वाला पार्ट रखेंगे। तो चलते हैं केस थ्री में, ठीक है। आपको दिक्कत हो तो मैं इसका पीडीएफ आपको सेंड कर दूंगा, आप उसको अच्छे से लिख लेना। ये देखिए थर्ड वाले केस में आ गए, थर्ड वाले केस में जब आ गए तो देखिए यहाँ से क्या हो गया, ओ बी बाय बी क्यू इज इक्वल टू ओ सी बाय सी आर हो गया। और जब ऐसा होता है तो बेसिक प्रोपर कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या कहता है कि बी सी जो है वो क्या होंगे, पैरेलल होंगे क्यू आर के। इसको डिलीट करने की भी जरूरत नहीं है, तो डायरेक्ट दिखने से ही लग गया बी ओ बी बाय बी क्यू इज इक्वल टू ओ सी बाय सी आर, ये होगा ना। और यही तो हमने अभी भी प्रूफ किया, ओ बी बाय बी क्यू इज इक्वल टू ओ सी बाय सी आर। तो हम कह सकते हैं कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से कि ये क्या है, पैरेलल है कौन, बी सी किसके, क्यू आर के, ठीक है। यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, हो गया डन। तो आज के वीडियो में इतना ही रखिए, अगले दिन हम उसके आगे के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे।